गरीब का वुडन एनिमल्स। कई साल पहले रानथंबोर गांव में गिरीश नाम का एक कारपेंटर हुआ करता था। उसके बनाए लकड़ी के खिलौने बहुत मशहूर थे। बहुत सारे पड़ोसी गांव वाले भी गिरीश के पास वुडन एनिमल्स के खिलौने खरीदने आते थे। स्कूल के टीचर्स भी गिरीश के लकड़ी के खिलौने ही इस्तेमाल करते थे। टीचर, चिल्ड्रन, ये है सिंह, कहते हुए सिंह लकड़ी का खिलौना दिखाते थे। न्यूज़पेपर में भी रानथंबोर के लकड़ी के खिलौने के बारे में अच्छा लिखते थे। एक बार एक चोर भेष बदलकर गिरीश के पास आकर, क्यों भाई गिरीश, तुम्हारे खिलौनों के बारे में बहुत सुना है। तुम्हारे खिलौनों को विदेश में बेचने का सोच रहे हैं। तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। श्रीमान, मुझे माफ कीजिए, ऐसे कई लोग पार्टनरशिप के लिए मेरे पास आए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने पैसे नहीं दिए। चोर, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक साल तक अगर मुझे तुम खिलौने दे सकते हो तो पहले ही मैं पैसे देकर लूंगा, ठीक है ना? गिरीश ने सोचकर हाँ कह दिया। अगले दिन चोर पैसों के साथ आकर वो सारे पैसे देकर लकड़ी के खिलौने ले लिए। चोर तब उन सारे लकड़ी के खिलौनों को एक गुफा में एक टेबल पर रखकर दूसरे चोरों को दिखाते हुए, चोरों, ये रणथंबोर के लकड़ी के खिलौने हैं। अब तक सब इन्हें लकड़ी के खिलौनों के नजर से ही देखे, लेकिन हम इनमें डायमंड्स रखकर स्मगलिंग करेंगे, ध्यान रखना इस बात का, कहा एक चोर। यानी डायमंड्स को इनमें डालकर चेक पोस्ट पार करवाएंगे? नायक, हाँ रे, कहकर डायमंड्स को उन खिलौनों में डाल दिया। अगले दिन ऑटो में इन खिलौनों को चढ़ाकर चेक पोस्ट के पास आए। ऐसा ही उस चोर से, क्या रे, ये सामान क्या है? चोर, सर, ऐसे सर, नमस्ते। जेल से निकलने के बाद मैं बहुत बदल गया हूँ सर। हमारे गांव में लकड़ी के खिलौने हैं ना, उन्हें पड़ोसी गांव में बेच रहा हूँ सर। बस कुछ 10 या 20 रुपए कमा लूंगा ना सर, इसीलिए। ऐसा ही, ओ, हमारे गिरीश के बनाए खिलौने, ठीक है, ओके ओके, जाओ, कहा। उस रोड में बहुत सारे खड्डे होने के कारण एक लकड़ी का खिलौना नीचे गिर गया। एसआई ने लकड़ी का खिलौना देखकर, अरे ये खिलौना गिर गया है, ये तो निकल गया, खैर मैं अपने बेटे को दे दूंगा, सोचकर शाम को एसआई घर जाकर अपने बेटे को वो लकड़ी का खिलौना दिया। कुछ दिनों बाद पुलिस स्टेशन में कमिश्नर एसआई से, एसआई जी, आपके गांव में डायमंड स्मगलिंग हो रहे हैं, ये कई दिनों से सुनने में आ रहा है। किसी भी तरह उन चोरों को पकड़ना होगा, ये मैंने आपसे कई बार कहा, लेकिन आपने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं बनाए, कहा एसआई। सर, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, किसी भी तरह उन चोरों को पकड़ूंगा, कहा। एसआई पर दबाव बढ़ जाने के कारण घर के पास बैठकर एसआई क्या करना है सोच रहा था कि तभी एसआई का बेटा उस लकड़ी के खिलौने के साथ खेलते हुए, पिताजी पिताजी मेरे साथ खेलो ना। एसआई, रे बेटा मुझे सताओ मत, अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, कहा। बेटा फिर भी बात माने बगैर, नहीं नहीं, आपको मेरे साथ खेलना ही होगा, कहकर उस खिलौने को देने लगा। एसआई को गुस्सा आया तो वो खिलौना लेकर जोर से जमीन पर फेंक दिया। बस उस खिलौने के टुकड़े हो गए और उसमें से डायमंड्स बाहर निकले। वो देखकर एसआई दंग रह गया। जो हुआ वो पूरा जानकर एसआई चेक पोस्ट के पास कड़ी नजर रखने लगा। हमेशा की तरह चोर ऑटो में वो लकड़ी के खिलौने लेकर जा रहे थे, तब एसआई उन्हें पकड़कर लकड़ी के खिलौनों को खोलकर देखा तो उन सब में डायमंड्स थे। फिर वो सारे चोरों को पकड़कर जेल में डाल दिए।